पाठ छठा पलाश। लेखक डॉक्टर परशुराम शुक्ल। भारतीय मूल का प्राचीन वृक्ष पलाश एक अलौकिक वृक्ष है। लेखक ने पलाश के वृक्ष का सरल सुलभ भाषा में बहुत ही सुंदर ढंग से परिचय कराया है। सो पढ़ेंगे निबंध पलाश। बसंत के आगमन के साथ ही कभी कभी ऐसा लगता है मानो जंगल में लाल रंग की लपटे उठ रही हो। ये लपटे आग की नहीं बल्कि पलाश के नारंगी पंदलिए लाल फूलों की होती है, इसीलिए इसे फ्लेम ऑफ द फायर कहा जाता है। पलाश भारतीय मूल का एक प्राचीन वृक्ष है। इसे आदिदेव ब्रह्मा और चंद्रदेव से संबंधित अलौकिक वृक्ष माना जाता है। इसमें एक ही स्थान पर तीन पत्ते होते हैं। इसकी लकड़ी का हवन में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे याज्ञिक भी कहते हैं। यज्ञ में काम आने वाले पात्र भी पलाश की लकड़ी से बनाए जाते हैं। रामायण महाभारत के ग्रंथों में पलाश के विषय में मनोहारी विवरण देखने को मिलते हैं। हिंदुओं के साथ बौद्धों में भी पलाश का वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है। अंग्रेजी कवि एडविन आर्नल्ड ने अपनी पुस्तक द लाइफ ऑफ एशिया में लिखा है कि भगवान गौतम बुद्ध की मां राजमाता माया देवी के राजमहल के परिसर में पलाश का एक सुंदर वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे आकर राजमाता बैठती थी।